राजनीति में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव, पंचायत से लेकर संसद तक पावर पॉलिटिक्स के धुरंधर, राजनीति के दांवपेच से लेकर क्रिकेट के मैदान के बड़े खिलाड़ी, जी हां, इन दिनों दोनों जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर शोरगुल जारी है तो आईपीएल को लेकर बोमाबोम मची हुई है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी की जो इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ हैं और उनसे होगी तमाम बातें। पवार साहब, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पवार साहब, शुरू करते हैं ताजा घटनाक्रम से, क्योंकि चैनल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पे बात करते हैं। राहुल गांधी की रैली में आप नहीं पहुंचे पवार साहब, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे कि एक दूसरे कद का नेता, आपका कद आप सोनिया गांधी के बराबर, वो नहीं आई इसलिए आप नहीं आए। सीधी बात है, मेरे खुद इलेक्शन कैंपेन के प्रोग्राम 3 हफ्ते पहले फाइनल हुए थे। कई जगह पर मेरी मीटिंग थी, हर दिन 3 या 4 या 2 कहीं ना कहीं। शायद ये 20 तारीख को रैली थी मुंबई में सोनिया गांधी की। मुझे 18 तारीख को इन्फॉर्म किया गया कि सोनिया जी की रैली हम अरेंज कर रहे, आप इसमें शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि भाई मेरे 3-4 मीटिंग है, मीटिंग कैंसिल करेगी तो हमारे कैंडिडेट के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। मुझे कांग्रेस की तरफ से मुझे चिट्ठी भी लिखी कि सोनिया जी की मीटिंग के लिए इंसिस्ट भी किया, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं 1-2 मीटिंग एडजस्ट करके सोनिया जी की मीटिंग का आके फिर आगे जाऊंगा। जब मीटिंग थी इस सुबह मुझे बताया गया कि सोनिया जी आ नहीं रही, तो कौन आ रहा है बताया नहीं मुझे, मुझे आ नहीं रही। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे सोनिया जी के साथ मैंने आना चाहिए, इसलिए आपका इंसिस्टेंस था, वो आ नहीं रही तो मैं मेरा प्रोग्राम जो चेंज कर रहा था वो चेंज नहीं करूंगा, मेरे कैंडिडेट बड़े दुखी है तो मैं मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा, और मैंने मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू किया। वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष आ रही है और हमारा यहाँ अगान से इससे मुझे निमंत्रण था। कांग्रेस पार्टी ये कोई कांग्रेस एनसीपी की कंबाइंड मीटिंग नहीं थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट आ रही इसलिए मैंने उसका स्वीकार किया। मगर जब कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद नहीं आ रही तो मैंने जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब मेरे से अच्छा, मुझे जाने में कोई कमी नहीं थी, समय रहता था तो मैं जाता था। नहीं, लेकिन पवार साहब, अगर आप जाते तो इसका लाभ आपकी जो अलायंस है उसको नहीं होता, ऐसा नहीं लगता आपके गठबंधन? जाते थे, मेरे 3 असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट की जो मीटिंग मैं लास्ट मुहिम पर कैंसिल करता था तो इसकी कीमत मेरे तीनों कैंडिडेट। कहा जा रहा है पवार साहब कि राहुल को आप ये नहीं मानते कि वो आपके कद का है और राहुल की रैली में? मेरा मानने का क्या संबंध आ गया? राहुल थोड़ा मेरा पार्टी का आदमी है, मुझे मानने का क्या संबंध आ गया? मैं मेरी पार्टी चल रहा। लेकिन उसमें ये भी था कि आप राहुल के पहले बोलते और आखिरी में राहुल बोलते, इसलिए भी आपको ये सारी चीजें अटपटी लग रही थी? नहीं नहीं भाई, सीधी मेरे जो पहले जो तय हुए मीटिंग है वो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पार्टी के कैंडिडेट थे और ये जो मीटिंग थी वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट थे। हाँ, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए कई जगह पर मैं गया हूँ, मगर जो मीटिंग तय हुई है मेरी पार्टी के कैंडिडेट की वो कैंसिल करके नहीं मैं जाता हूँ, वो भी पूरा करता हूँ, वो भी पूरा करता हूँ। आप मानते हैं पवार साहब की राहुल में अब इतनी समझ आ गई है कि वो देश आगे चला लें या जिस तरीके से? जब इस पर भाष्य करने की आवश्यकता क्या है, तो जो मेरी पार्टी के साथ ही है, हर पार्टी को अपना कौन लीडर वहां सिलेक्ट करना, सपोर्ट करना, फोर्सिंग करना वो अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का ये पूरा अधिकार है, चाहे राहुल गांधी हो या कोई अन्य हो, उनको फोर्सिंग करने का। उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया है राहुल गांधी को, तो अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको लगता है वो सारी समझ आ गई है देश चला लेंगे, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि फिर एक बार UPA 3 रिपीट? भाई इस बारे में मुझे कहना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं, मैंने कहीं ऑब्जर्व भी किया नहीं, मगर एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि अपने अपने पार्टी की लीडरशिप तय करने का, और उन्होंने वहां राहुल गांधी को किया होगा तो समझदारी से समझकर सोचकर किया होगा। एक और एनसीपी की बात रही, एनसीपी की बात रही कि एनसीपी और कांग्रेस अलायंस है, कल वहां सरकार बनाने की बात आ गई। राहुल आपको कबूल होंगे पवार साहब? ज्यादा बोलते तो मुझे मेरा समय वाई भी वेस्टिंग आई,
तो कल सरकार बनाने का समय आ गया तो कांग्रेस जिनको फेवरेट करेगी उनको सहयोग देना हमारा फर्ज रहेगा, क्योंकि हम अलायंस में है, हम चुनाव साथ लड़े हैं और इसलिए हमारा कोऑपरेशन कांग्रेस जिसको फेवरेट करेगा उनको सहयोग देने का रहेगा। पवार साहब, हाल ही की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके साथ आप लगातार इतने एक दशक तक आपने काम किया है, उनके कैबिनेट में रहे, उन पर उन्हीं के एक सलाहकार ने बड़ा एक गंभीर सा खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री इट्स एन एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, सारी चीजें रिमोट पे चलती हैं। आपकी नजर में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ नजर आते हैं? सिंपल बात है, क्या नाम उनका जो किताब बाहर, संजय बाबू, मैंने किताब पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे समय नहीं, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। जो अखबार में आया है ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये सरासर झूठ है। दूसरा जो अखबार में आया है उन्होंने कहा कि उनको बाहर से इंस्ट्रक्शन मिलती थी, फाइलें बाहर जाती, ये सरासर झूठ है। मैं इस सरकार में 10 साल हूँ, 10 साल में एक इंसिडेंट मैंने ऐसे देखा नहीं कि बाहर से कोई हम लोगों को, मनमोहन सिंह यानी मनमोहन सिंह अकेले ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि बाहर से कोई सूचना आ गई और इसे हमें कुछ करना पड़ेगा, कभी नहीं। हाँ, यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठकर हम कुछ इश्यूज के बारे में कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। वो ऐसा कलेक्टिव डिसीजन, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये उनकी सरकार हो तो पार्टी में डिस्कशन होता है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बाहर से कोई इंटरफेरेंस करते थे ये मैंने कभी देखा। आप इस बात को खारिज करते हैं कि प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते? 100% झूठी बात है। और मुझे एक ही बात समझी नहीं कि इस तरह के जो लिखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पीएमओ के नजदीक लाने का डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने क्यों ले लिया? नहीं, ये तो बाद में पता चला ना कि किताब लिखेंगे जब वो उन्होंने बाद में भी। प्रधानमंत्री ऑफिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑफिस, वहां जब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ व्हेन यू सिलेक्ट, वो सिलेक्ट करने से पहले मैंने सोचकर इसके बैकग्राउंड वगैरह इस बारे में सोचकर कदम उठाने की आवश्यकता, मुझे लगता है कि दैट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम पीएमओ। पवार साहब, बात हो रही है मोदी को लेकर, आपने भी कई बार कहा है कि मोदी की लहर दिखाई देती है, आपको लगता है मोदी की लहर वाकई? मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे, मुझे सिर्फ 2004 की याद आ रही है। 2004 में ऐसे ही बात होती थी, इंडिया शाइनिंग। मोदी की लहर नहीं है पवार साहब? मुझे बिल्कुल लगती नहीं, मैं जो इतने विषय एड्रेस किया, मोदी की लहर है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में, और इतने चुनाव मैंने लड़े हैं, मैंने ये कभी देखा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री या कोई किसी एक आदमी, इवन इन दो डेज प्राइम मिनिस्टर, उनका स्पीच, एंटायर स्पीच, समझो गुवाहाटी में वो बोल रहा है तो हमने ये देखा है कि आसाम के चैनल में आएगा वहाँ का स्पीच, क्योंकि गुवाहाटी का स्पीच कर्नाटक में दिखाई देता है, कन्नड़ा में, महाराष्ट्र के मराठी चैनल में दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है। ये जो टोटल एग्रेसिव मीडिया कैंपेन अभी जो हो रही है, इससे एक माहौल तैयार करने की कोशिश है, और मुझे विश्वास है। लेकिन पवार साहब, आप ही ने कहा है कि एनडीए को ज्यादा बढ़त मिलेगी इन चुनावों में, तो वो मोदी के नाम पे? देखो ना, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दो मेजर पार्टी है, इसमें 2-4 सीट इधर उधर हो सकते हैं, ये मैंने कहा, मगर इसमें साथ ये भी कहा मैंने कि ये दोनों पार्टी और पिछले 10-15 साल का अनुभव देखने के बाद इस देश में कोलिशन पॉलिटिक्स आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों पार्टी अपने बलबूते पर वो जो मेजोरिटी की जो फिगर है मैजिक, वहां तक पहुंचेगी नहीं, उनको अन्य साथियों की मदद लेकर सरकार बनाना पड़ेगा, और जब अन्य साथियों की मदद लेकर वो सरकार बनाने की बात आएगी तब बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर है वो शायद मोदी साहब को मदद करने के लिए उनकी तैयारी नहीं रहेगी। ऐसा मुझे वाजपेयी के लिए मदद करने की तैयारी थी, क्योंकि इनकी एक पर्सनैलिटी, इनकी एक इमेज, एक सोवर पर्सन, ये ही इमेज मोदी साहब की है, ऐसे मुझे लगता नहीं, ऐसी इमेज नहीं है जी। पवार साहब, अगर एक और बात करें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने कहा कि आप 2009 में शिवसेना से आपकी बातचीत हुई थी और आप गठजोड़ करने के लिए खुद होकर आप गए थे। एक बात ऐसी कि मनोहर जोशी ने 5 साल क्यों लिए ये बताने के लिए,
सबको ने बताया 2009 की बात करी, अभी सीधी बात है, मनोज जोशी हमारे मित्र है। मुझे दुख होता है कि वो एक राज्यसभा सीट के लिए उनकी पार्टी उनको आसपास खड़ी भी रहने नहीं देती, फिर भी इतने क्यों पीछे लगे हैं। उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा कि मुझे कुछ भी करके राज्यसभा में जाना है, मुझे दुख है कि मेरी पार्टी मुझे यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे दुख है कि दशहरा की मीटिंग में मेरा अपमान किया गया। भाई तुम्हारा अपमान किया होगा, तुम्हारा पार्टी सीट दी थी नहीं, फिर कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट कर। आप नहीं मिले थे पवार साहब गठबंधन, आप नहीं मिले थे 2009 में? हमेशा मिलता हूँ, मिलने में क्या है। मनोज जोशी 4 हफ्ते पहले 5 हफ्ते पहले मेरे घर आए थे, इससे पहले 2 महीने पहले थे। तो क्या भाई कई सालों से हम 40-40 सालों से हम दोनों आपस में जानते हैं, असेंबली में थे, वो लीडर ऑपोजिशन थे जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर थे तो मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, कई साल हमने साथ किए, इसमें मिलने में क्या है। पवार साहब ये माना जा रहा है कि इन दिनों आप राज ठाकरे की पीठ थपथपा रहे हैं, राज की बहुत तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। तारीफ नहीं, मुझे सवाल पूछा गया, मुझे कोई आदमी जीरो से स्क्रैच से कोई संगठन खड़े करने के लिए कोशिश करता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये बात सच है कि भाई मेहनत करके कुछ उन्होंने कुछ खड़ा किया तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन पवार साहब राज ठाकरे कहते हैं कि पवार साहब जब तारीफ करते हैं तो डर लगता है। अच्छा वो तो डर लगता है, सुनने का मैंने भी देखा, मुझे भी खुशी हो गई सर, मैंने उनके अच्छा कहा तो भी डर लगता है। नहीं क्योंकि आपकी जो पहचान और छवि है पवार साहब राजनीति के, आप वो खिलाड़ी हैं कि इस मुट्ठी की खबर इस मुट्ठी को नहीं होती कि आपका अगला कदम। अरे हम तो पब्लिकली बोलते, हमने उनको जो फ्रेस किया वो तो पब्लिकली किया, तो मुझ खा हमने मुझ खोल खोल किया। पवार साहब उद्धव ठाकरे इन दिनों आप पर खूब आग बबूला है, खूब ढेरों रैली में आपके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि पवार ऐसे पवार वैसे, क्या कारण है? आपके तो उनसे भी पारिवारिक रिश्ते थे, जिस तरीके से वो आग उगा। इनके पिताजी के हमारे रिश्ते थे, ये सब बच्चे हमने देखे थे पहले जब छोटे थे तब से, उनकी माँ थी तब हमारी माई वाइफ इनकी माँ, बड़े अच्छे रिश्ते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बाला साहब ठाकरे के बारे में हमारे मन में जो है वो है, वो तो मित्रता थी, वो हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म भी करते थे, दोस्ती भी रखते थे। इनमें फर्क एक है कि बाला साहब जवान के पक्के थे और एक लेवल संभालते थे, और बाला साहब ने मेहनत करके और यंगर जनरेशन को उन्होंने एक एसोसिएट किया बड़े पैमाने पर, उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, और जो बिल्कुल जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ऐसे सब लोगों को जिनमें कोई क्वालिटी है उनको आगे ले जाने के लिए उन्होंने मौका दे दिया। क्या समझ मनोज जोशी, उद्धव में राजनीतिक समझ आई है लगता है कि अब भी बच्चे ही आपकी नजर में? ऐसे नहीं मैं इस बारे में तो मैं नहीं कॉमेंट कर सकूंगा, मगर ये जरूर कह सकूंगा कि बाला साहब का जो मन भरा था वो यहाँ छोटा मन है। बाला साहब ने जो कमाया मेहनत करके संगठन बनाए, ये इनका तकदीर अच्छा है, पिताजी ने इतना बड़ा संगठन बनाया, ऑटोमेटिक इनके पास आया, और इसलिए जिन लोगों को ये मेहनत में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता नहीं और एक ऑटोमेटिक कोई संपत्ति मिलती है धन मिलता है तो उनका रवैया अलग होता है। ये एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे साहब की स्थिति हम देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब आईपीएल को लेकर खूब आवाज हो रही है, कल एक समिति जो गठित की गई 2 दिन पहले उसको लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि आप नाराज हैं कि जो समिति में नाम है जस्टिस जे एन पटेल की बात करें ये करें उसको लेकर आप? भाई मैं नाराज बिराज नहीं क्योंकि भाई इनसे सी लेता नहीं इसमें, ये आजकल इसमें मैं जाता हूँ, मैं बीसीसीआई की मीटिंग क्यों भी जाता नहीं हूँ, मुंबई क्रिकेट की जिम्मेदारी मेरे सिर पर, मैं यहाँ तक मेरा ध्यान है, बाकी जो बीसीसीआई में हमारे बाकी साथी जाते हैं मैं कभी जाता नहीं। जहाँ तक कल की जो बात हुई थी तो मुझे सवाल पूछा गया कि भाई ये 3 लोगों की कमिटी थी इस बारे में क्या कहना चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई कमिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर विवाद नहीं होना चाहिए और
मुझे फिर सवाल पूछा कि आपको क्यों लगता है विवाद होने की संभावना है। मैंने कहा कि रवि शास्त्री अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा आदमी है, इसकी इंटीग्रिटी के बारे में मुझे संदेह नहीं। और कल कोई ऐसे कह सकता है कि इसका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ है। जब मैं बीसीसीआई के चीफ था तब इनके और सुनील गावस्कर के साथ बीसीसीआई का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। जिसका फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ है वही बीसीसीआई चीफ की इंक्वायरी करेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन ले सकते। आपने शिवलाल यादव के जो रिश्तेदार हैं उनके जो बहनोई हैं जस्टिस जेएन पटेल उन पर भी कहा है कि भाई ऐसे मैंने ये कहा कि जेएन पटेल एज ए जज मैंने देखा बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, इनकी इंटीग्रिटी इज अवर एवरीथिंग, मगर ये इश्यू रेज हो सकता है तो इसलिए पटेल साहब ने या शिवलाल जी ने इसका काम शुरू होने से पहले ही पब्लिक के सामने ये बात रखने की आवश्यकता है। नहीं तो ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो बाद में अच्छा काम करने के बाद भी कोई सवाल उठा सकते हैं और ये वोट के लिए अच्छी बात नहीं। तो पवार साहब श्रीनिवासन इतने अडामेंट क्यों बने हुए हैं? जिस तरीके से उनका तौर तरीका रवैया आईपीएल में सारी बातें पूरी मुट्ठी कलई खुल गई उसके बावजूद उनका जो अडामेंट बिहेवियर है मैं तो नहीं बता सकता वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन पवार साहब आपके साथ भी जब आई वॉज प्रेसिडेंट ही वॉज सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर तब तो हम मिलकर शशांक मनोहर वो मैं मिलकर काम करते थे तब कभी समस्या नहीं आई थी। मगर शायद कभी किसी के हाथ में अथॉरिटी होती है तो वो अथॉरिटी वो पावर शेयर करके कलेक्टिव डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है इसके ऊपर कई लोगों का भरोसा होने होता नहीं शायद मुझे मालूम नहीं। अब्यूज ऑफ पावर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं एनआरकी टाइप आपको लग रहा है? मैं मीटिंग को ही जाता नहीं तो मुझे डिटेल ही मालूम नहीं तो मैं कमेंट क्यों करूं। पवार साहब थर्ड फ्रंट की कोई संभावना आपको नजर आती है? याद आता है आपके जैसा कद्दावर नेता जो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना सकता है, थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट लगती है आपको? चंद्रशेखर को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, चंद्रशेखर का एक इमेज था और सब लोगों ने उनको आपकी भूमिका बड़ी थी पवार साहब ठीक है मगर चंद्रशेखर जी का खुद का भी एक शीर्षक था। जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है आज थर्ड फ्रंट नाम के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है मगर ये बात सच है कि जैसे एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस के कोई हमारे जैसे सहयोगी बीजेपी के कुछ सहयोगी, ये छोड़कर कई ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस है जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे बीएसपी है, जैसे लेफ्ट पार्टी है, जैसे जयललिता जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये नजरअंदाज नहीं करते। उनके पास नंबर आएगा और उनके बिना कोई सरकार बनाएगा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को साथ लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, मिनिमम कॉमन एग्री प्रोग्राम तय करना पड़ेगा, यूनानिमिटी करनी पड़ेगी तो ही देश में थर्ड फ्रंट आपको दिखाई देता है पवार साहब? अगर दोनों आज थर्ड फ्रंट नहीं मगर बाद में ये इकट्ठा हो सकते है, आप जो कहते हैं इकट्ठा हो सकते है, शायद फ्रंट में हो गए या सपोर्टर होंगे। अभी समझिए कि आज उत्तर प्रदेश में मायावती मुलायम सिंह दोनों भी बाहर है और थर्ड फ्रंट में दोनों आना मुश्किल है क्योंकि दोनों का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, मगर दोनों ही सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पिछले 5 साल मनमोहन सिंह के सरकार को दोनों ने मदद की। पवार साहब कुछ यानी जब ये सारी सुगबुगाहट हो रही थी कौन किसके साथ जाएगा आपको लेकर बात थी कि बीजेपी से हो सकता है आपका कोई तालमेल हो जाए, ऐसा नहीं? हम कांग्रेस के साथ है, चुनाव साथ ले, पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ है, नेशनल लेवल पर 10 साल हम कांग्रेस के साथ है और इस समय हम दोनों ने मिलकर चुनाव कॉन्टेस्ट किया, हम उनके साथ ही है। पवार साहब आखिरी सवाल, क्या इतने कद्दावर नेता का जिसका 4 दशक का राजनीतिक जीवन रहा है प्रधानमंत्री नहीं बनने की टीस लगती है? नहीं, क्यों लगती है? क्योंकि अपने पास नंबर ही नहीं, अभी हमने 21 सीट यहां लगाई तो प्रधानमंत्री बनने का सपना रखना ये मुझे लगता आप सपना नहीं पालते पवार साहब। आपको लेकर कहा जाता था कि आप प्रधानमंत्री, हाँ आप कुछ भी कहेंगे मगर मुझे मालूम है मेरे पास नंबर है और प्रधानमंत्री बनने के लिए नंबर नहीं हो और प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री चलता नहीं। हमने देवेगौड़ा जी का देखा, हमने गुजराल साहब का देखा कि जिनके साथ 15-17 एमपीज है, भाई इस देश में प्रधानमंत्री बनना हो तो आप रिजल्ट देने के लिए
एक केपेबल होना चाहिए। केपेबिलिटी है, रिजल्ट देने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये सरकार की कोई इज्जत सकती। पवार साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक टर्म देना चाहिए अगर यूपी आती है तो? खुद ही लड़ना नहीं चाहते, उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि इनफैक्ट लास्ट पहली टर्म होने के बाद ही वो तैयार नहीं थे। हम सब लोगों ने कहा कि भाई एक्सेप्ट करिए, तो एक्सेप्ट किया। अभी उन्होंने साफ कहा सब लोगों की एट एनी कॉस्ट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, प्लीज रिव्यू मी। अभी ये सब कहने के बाद फिर तीसरी टर्म देने की इंसिस्ट क्यों करें? पवार साहब, आपको क्या लगता है यूपीए को कितनी सीटें आएंगी? यूपीए को कितनी सीटें आपको दिखाई देती है? मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे। दोनों में एक दो चार सीट इधर उधर ये स्थिति हो सकती है, मगर दोनों ही अपने बलबूते पर सरकार बनाने की जो आवश्यकता है वहां तक पहुंचेगी नहीं। अन्य लोगों की मदद लेकर उनको सरकार बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और जो अन्य लोग हैं उनका प्रेफरेंस बीजेपी से कांग्रेस को रहेगा, ये मेरा एसेसमेंट है। तो ये थे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जो राजनीति में असीम संभावनाओं की बात कह रहे थे, लेकिन दो बड़ी पार्टियों का जिक्र करते नहीं भूले कि बीजेपी और कांग्रेस ही ऐसे दो दल होंगे जो हो सकता है दूसरों के समर्थन के साथ देश में सरकार बना लें। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, शरद पवार वो नेता हैं जो इस मुट्ठी की खबर इस मुट्ठी को नहीं होती। राजनीति में वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता।